दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनमें से अप्रॉक्स 46% को पता ही नहीं है कि उनका बीपी हाई रहता है, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप भी खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पर अपना बीपी ज़रूर चेक करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और हम अपना बीपी मेजर कर रहे थे, तो मेरे को ध्यान आया कि मैं हमेशा अपने चैनल पर रिव्यू वीडियोस डालती हूँ, आयदर कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई ड्रेस हो। सो आई थॉट कि क्यों ना मुझे ये बीपी मशीन भी अपनी वीडियो में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हर किसी के लिए। आइदर छोटे बच्चों या बड़े हो, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे में हर कोई कोशिश करता है कि घर में ही हमें इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिनसे हम इजीली अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मेजर कर सकें। वैसे तो आज की वीडियो में मैं जो आपको ये बीपी मशीन दिखाने वाली हूँ, ये हम काफ़ी टाइम पहले हमने बाय करी थी, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अपना शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मैंने नया प्रोडक्ट मंगाया हो और मैं न्यू प्रोडक्ट यूज़ करके आपके लिए रिव्यू कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, तो आई नो कि कितना कन्वीनियंट है एंड कितना ईजी है टू हैंडल एंड कितना ईजी है टू यूज़। आज के टाइम में हर कोई कोशिश करता है कि ज़्यादा मतलब तामझाम ना करना पड़े एंड ईजिली हम अपनी हेल्थ मेजर कर सकें। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ बीपी मशीन, कि आप घर बैठे अपना बीपी कैसे मेजर कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। सो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये ओमरॉन की बीपी मशीन, एंड काफ़ी टाइम हो गया है इसे यूज़ करते हुए। पहले मैं बता देती हूँ कि एक्चुअल में इसका कौन सा नंबर है, ये जो ऑर्डर किया हुआ है हमने, ये ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, एंड ये ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन है। इसका जो नंबर है वो HEM 7120 है, मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। इसमें हमें मिली थी 3 ईयर्स ऑफ वारंटी, एंड ये ऑलरेडी बॉक्स पे भी मेंशन मिल जाएगी आपको भी। इसमें कुछ और पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं इसके बॉक्स पर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट मेमोरी इसमें आप देख सकते हैं, हाइपरटेंशन इंडिकेटर है, कफ रैपिंग गाइड है, इररेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन है इसमें, बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन है। सिंपल टू यूज़ है, एक्चुअल में ये सिंपल टू यूज़ है, क्योंकि हम खुद यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि काफ़ी कन्वीनियंट है इसे यूज़ करना। इस पे ये भी मेंशन है कि व्हाई यू कैन चूज ओमरॉन, ऑल प्रोडक्ट्स आर क्लिनिकली वैलिडेटेड, इंटेलिसेंस टेक्नोलॉजी फॉर कंफर्ट एंड एक्यूरेसी, एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। एंड ओमरॉन के आपने भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो बीपी मशीन भी उसमें से एक है, एंड इनके और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, और भी ब्रांड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगी, जो काफ़ी कन्वीनियंट है। आप अगर इन केस इन फ्यूचर अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर करना चाहते हैं हेल्थ मेजरमेंट के लिए, तो आप उनमें से भी चेक कर सकते हैं, उनको भी अपने ऑप्शंस में रख सकते हैं। इसमें आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, इसमें अपनी पल्स मेजर कर सकते हैं, इसमें आपको ये बैटरी ऑपरेटेड मिलेगा। इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, हार्डली 250 ग्राम है विदाउट बैटरीज। इसकी डायमेंशंस भी इतने ज़्यादा नहीं है, आर्म कफ मिल जाएगा इसमें, और आर्म कफ की जो मेजरमेंट है वो आपको मिलेगी 22 से लेके 32 सेंटीमीटर तक। इस पे जो प्राइस मेंशन किया गया है वो 2680 मेंशन किया गया है, बट एक्चुअल जो प्राइस था वो इससे काफ़ी कम था, मैं आप लोगों के लिए वो प्राइस स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी। अब कर लेते हैं फटाफट से इसे ओपन। इसमें एक आपको मिल जाएगा ये आर्म कफ, एक इसमें आपको मिल जाएगी बीपी मेजरमेंट की मशीन, एक आपको मिल जाएगा इसमें वारंटी कार्ड, एंड एक इसमें आपको मिल जाएगी बुकलेट। सो स्टार्ट कर लेते हैं आर्म कफ से। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई गई है, एंड इसकी जो मेजरमेंट है वो है 22 सेंटीमीटर से लेके 32 सेंटीमीटर तक आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 9 to 13 inches, अगर मैं इंचेस में बात करूँ।
एंड काफ़ी इजी है, काफ़ी कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। सिंपली आपको इसको यहाँ से ऐसे ओपन करना है। यहाँ पर ये आयरन का कुछ रिंग सा दिया है जिससे आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हैंड के साइज के अकॉर्डिंग। एंड ये जो इसमें पाइप दिया गया है ये आपको इंसर्ट करना है मेन यूनिट में। तो दिस इज़ द मेन यूनिट, ऐसी सी कुछ आपको मेन यूनिट इसमें रिसीव होगी। यहाँ पर आप ये इंसर्ट करेंगे जो इसका ये पाइप मिला था, यहाँ डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। बैक साइड में इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर बैटरीज डालने के लिए। इसको सिंपली आप ऐसे ओपन कीजिए एंड 4 सेल इसमें यूज़ होती हैं, तो आप 4 सेल इसमें इंसर्ट कर दीजिए एंड ये रेडी टू यूज़ हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें सेल इंसर्ट करेंगे तो आप इसको उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें सेल से इसको ऑपरेट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एडेप्टर लगाकर इसको डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करके एंड प्लग बोर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर DC 6 वोल्ट का ये प्लग इन पॉइंट दिया गया है, तो इससे भी आप डायरेक्ट ऑपरेट कर पाएंगे इसे। उस केस में आपको ये है कि इसमें बैटरीज इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इसमें बैटरी इंसर्ट करेंगे यहाँ पर आपको सिंपली स्टार्ट का बटन प्रेस करना है एंड जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको स्टॉप का बटन अगेन प्रेस कर देना है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको ऑपरेट करने में। इसमें आपको मिल जाती है सिस की रीडिंग्स एंड डाई की रीडिंग एंड पल्सेस की रीडिंग। एक मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी दिखा देती हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 4 बैटरीज ले ली है और नाउ अब मैं इसका बैक पोर्शन ओपन करूँगी एंड यहाँ पर ये बैटरीज लगाऊंगी। बंद कर दिया है एंड नाउ इट्स रेडी टू यूज। अब एक बार कनेक्ट करके प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देती हूँ कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम इसको हाथ में वेयर कर लेते हैं और अपने आर्म के साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने आर्म के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है एंड आपका हैंड भी रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए, तो आप इसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ दीजिए। एंड नाउ ये वाला पॉइंट मैं इसमें यहाँ पर कनेक्ट करूँगी। ये कनेक्ट हो चुका है, अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है एंड रीडिंग्स अभी वो मेजर कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये अपने आप यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो इसने यहाँ पर रीडिंग शो कर दी है कि जो सिस वाला है अपर बीपी है वो 116 है, नीचे वाला 76 है एंड पल्सेस है 93। सो बहुत इजी वे में आप अपना बीपी घर बैठे ही मेजर कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज़ ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एंड काफ़ी रीजनेबल रेट पे भी मिल जाएगा। ये हमने ऑर्डर किया था अमेजोन से, ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, तो आप दोनों ही जगह पे चेक कर पाएंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल भी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से भी जाके आप लोग चेक कर पाएंगे। एंड अगर आपके घर में अभी तक बीपी की मशीन नहीं है तो आप डेफिनेटली ऑर्डर कर लीजिए। एंड ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बार डॉक्टर के पास विजिट करना पड़े अपना बीपी चेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग टॉप रेटिंग के हिसाब से भी कुछ बीपी मीटर्स लगा दिए हैं, सो दैट आप कंपेयर कर सकें एंड बिफोर यू ऑर्डर आप सारे ये बीपी मीटर्स चेक कर सकें। ये सारे ही बीपी मीटर्स डिफरेंट ब्रांड्स के हैं जिसमें ओमरोन की जो रेटिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। सो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। यूज़फुल लगे तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलता है फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।